Hello, so I'm back with a new video. I'm really very sorry that मैं बीच में वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई कोई भी, क्योंकि फेस्टिवल्स भी थे, देन बहुत बिजी शेड्यूल रहा, सो आई कुड नॉट पोस्ट एनी वीडियो. बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो क्योंकि एक डेंगू एक ऐसी डिजीज़ है, जैसे कोविड तो है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, बट डेंगू भी अभी जैसे मौसम चल रहा है तो बहुत आपको डेंगू के पेशेंट मिलेंगे. एंड एज वी ऑल नो, वी आर होम्योपैथ्स, वी नो दैट आवर ट्रीटमेंट, द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, द एप्लीकेशन इज टोटली डिफरेंट. सो हमारे ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है कि डेंगू के 10 मरीज आए आपके पास में तो हम 10ों को ही एक ही हम एंटीबायोटिक देंगे या वही पेन किलर या वही हम एंटीपायरेटिक. हमारा ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है. वी हैव टू थिंक लॉट, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू एनालाइज, एंड एवरी पेशेंट हैज़ अ डिफरेंट रेमेडी. तो इट्स लाइक जैसे एक लॉक में आपने प्रॉपर की अगर नहीं यूज़ किया टू ओपन दैट लॉक तो वो ताला खुलेगा नहीं. तो दैट्स द सेम केस विथ होम्योपैथी, दैट एवरी पेशेंट इज डिफरेंट और हर एक इंसान अलग है. तो हर इंसान की दवाई है होम्योपैथी में. तो होम्योपैथी में बीमारी की दवाई नहीं है, हम बीमारी को नहीं ठीक करते, हम इंसान को ठीक करते हैं. तो अगर राइट सिमिलिनम दी जाए, ऐसे मेरे कुछ केसेस है जो पेशेंट आप कंप्लेंट लेके कुछ आया है बट आफ्टर गिविंग द राइट सिमिलिनम उसकी एक कंप्लेंट नहीं ठीक हुई, उसकी बाकी कंप्लेंट्स भी ठीक हो गई. सो वी ट्रीट human beings, we treat person, we treat not only just a specific illness. कि अगर patient को diabetes, BP, thyroid तीनों की problem है और patient आपको आगे बता रहा है कि आप doctor साहब thyroid ठीक कर दो, तो अगर आपकी medicine ठीक है तो वो सारी complaints ठीक करेगा. And also want to clear one thing, क्योंकि जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, हम students थे, तो हमें भी ऐसा लगता था कि एक constitutional remedy है और लाइफ लॉन्ग वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही रहती है. जैसे अगर मैं 2 साल पहले भी अगर कोई मेडिसिन खाऊं, 5 साल बाद खाऊं, या कभी भी किसी भी स्टेट में किसी भी टाइम, तो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है मुझे वही ठीक करेगी. दिस इज़ अ मिसनोवर, अ फॉल्स बिलीफ. ऐसा नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं होती है. स्टेट टू स्टेट, जैसे स्टेट चेंज होती है, जैसे हमारी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आती हैं, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो 10th और 12th का बोर्ड कंप्लीट करने के बाद में दे अप्लाई फॉर कॉलेज, देन दे सर्च फॉर जॉब्स, फिर मैरिज का टाइम होता है. तो जैसे थॉट प्रोसेस चेंज होता है लाइफ के अंदर, सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, कंडीशंस चेंज होती हैं, तो उस स्टेट के चेंज होने से मेडिसिन डिपेंड करती है उस थॉट प्रोसेस पे. जो पेशेंट का उस टाइम पे थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो किस चीज़ को लेके ज़्यादा वरी कर रहा है, किस चीज़ को लेके वो ज़्यादा कंसर्न है. लाइक इफ़ अ पेशेंट इज़ इन स्ट्रेस रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स, और इफ़ पेशेंट इज़ इन स्ट्रेस रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन किड्स, और इस कंसर्न फॉर फैमिली, और इस कंसर्न फॉर सेल्फ, और फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो इन थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन. तो जो स्टेट होता है, जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है वैसे ही मेडिसिन चेंज होती है. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस. अभी फ़िलहाल में ही डेंगू के पेशेंट बहुत आए, और एज वी ऑल नो डेंगू इज अ मॉस्किटो बोर्न डिजीज, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है. ये जो वायरस होता है ये कैरी करता है मॉस्किटो, एंड कहीं भी वो जैसे कहीं बैठा ट्रेवल किया और वही काट लिया मच्छर, या कहीं खाने में कुछ उसने ऐसा वायरस छोड़ दिया, आपने खा लिया, तो दैट्स हाउ दिस स्प्रेड. एंड सिम्टम्स वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. इन सम पेशेंट देयर कैन बी सीवियर बॉडी एक, बैकेक, मसल एक और जॉइंट्स पेन. किसी पेशेंट में आपको ये नहीं मिलेगा, किसी पेशेंट में, अब जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसको लेफ्ट आई पेन रह रहा था और कोई कंप्लेंट नहीं थी, फीवर था बट फीवर के साथ में लेफ्ट आई पेन था.
एक पेशेंट में माइल्ड हेडेक था और बॉडी पेन्स थे, एक पेशेंट में कोल्ड एंड कंजेशन था. तो सिम्टम्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो द फीवर, द सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, यू नो द सिवियरिटी ऑफ कितना हाई फीवर जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन. अगर माइल्ड फीवर चल रहा है तो इन्फेक्शन इतना हाई नहीं है पेशेंट में अभी, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा. फीवर एज वी ऑल नो, फीवर इज अ नेचुरल मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी. जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आते हैं अंदर, लाइक एनी बैक्टीरिया और वायरस, सो इन दैट रिएक्शन ये हमारा बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, डिफेंसिव मैकेनिज्म. जब बॉडी में जनरेट होती है हीट, आवर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ऑल वाइट ब्लड सेल्स कम्स एंड दे फाइट. बट क्या होता है, कभी तो बॉडी खुद ही सॉल्व कर लेती है, बट इन सम टाइम्स जब नहीं प्रॉपर फाइट हो पाती, इतनी इम्यूनिटी वीक होती है पेशेंट की, या सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट होती है एंड दैट टाइम पेशेंट नीड्स अ राइट ट्रीटमेंट. सो अब हमारे होम्योपैथी में क्या है, पेशेंट आया, पेशेंट का हम सिर्फ इस बेसिस पे नहीं देखते कि उसको जुखाम है तो ये दे दो, फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे दो, पेन्स है तो पेन किलर दे दो. वी हैव टू एनालाइज, सो वी हैव टू प्रॉब क्या रिएक्शन है, क्या एडेप्शन है, पेशेंट में क्या चेंज आया है, फीवर के पहले जो था कंडीशन एंड अभी व्हाट इज द कंडीशन. सो आई विल शेयर माय केस. सो फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में पेशेंट का मेरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ही हुआ था, फ़ोन पे ही बात हुई थी. तो पेशेंट वॉज साउंडिंग लो, फीमेल पेशेंट थी, अराउंड 60 ईयर्स एज. सो आई आस्क्ड, देन शी सेड कि फीवर है, और फीवर जब आता है तो ठंड लग के आता है, और क्रोसिन और डोलो लेने के बाद में भी फीवर 100 से नीचे नहीं आ रहा, 2-3 से ऊपर चला जाता है. डोलो क्रोसिन लेने के बाद में 100 तक थोड़ा सेटल्ड होता है, बट उससे नीचे तो आ ही नहीं रहा, कंटिन्यूस फीवर चल रहा है. देन आई आस्क कि क्या स्ट्रेस है माइंड में, क्या आपको दिमाग में ज़्यादा चल रहा है. तो दैट लेडी सेड दैट मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब है, बेटे की भी तबीयत खराब है, घर में सबकी तबीयत खराब है, और सर्वेंट भी नहीं है, और बस कि दिमाग में यही आ रहा है काम कैसे होंगे घर के, और सर्वेंट बहुत समझदार है वो भी नहीं है, वो चला गया है और वो मैनेज कर लेता था, अभी मेरे बेटे की भी तबीयत खराब है, उसको तो 5-6 दिन हो गए फीवर चलते हुए, अब वो ठीक हो गया है, बट उसको टाइम पे सब कुछ चाहिए होता है, मैं मैनेज कर रही थी इतने दिन से, मुझे भी फीवर चल रहा था. तो मैंने कहा आपको फीवर कितने दिन से चल रहा था, तो बोलते हैं मेरे को भी 5-6 दिन से फीवर चल रहा था, बट वो हल्का हल्का चल रहा था. मैंने पूछा फिर कि आपने क्या किया तब, तो देन शी सेड कि बस ठीक हो जाता था वो, कभी कम होता था 99 और ऐसे लो ग्रेड ही चल रहा था, फ़ोन पे जो से उन्होंने बोला. तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया, आपने आपको इतने दिन से फीवर चल रहा था. तो देन शी रिप्लाइड कि घर में हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, बेटे की भी तबीयत ख़राब है, सब मैनेज करना था, सबकी टेंशन थी, और मेरे को था कि हल्का फुल्का है मेरा तो ठीक हो जाएगा, पर अब सर्वेंट भी चला गया है, घर के काम कैसे होंगे. अगेन शी सेड दिस कि घर के काम कैसे होंगे. फिर मैंने उनसे पूछा कि अभी आपका कैसा है, तो एनर्जी लेवल वगैरह, तो वो तो मेरे को फ़ोन से ही उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि डल है, बट उन्होंने भी बताया कि वो डल हो गई हैं, और पहले तो वो मतलब चल फिर रही थी, सारे काम कर रही थी, अब नहीं हो पा रहा है, और अब मुझे यही डर लग रहा है कि मेरा अब अगर इतना फीवर मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना बढ़ गया है और ये डोलो क्रॉसिंग लेने के बाद में भी 100 से नीचे नहीं आ रहा, तो क्या होगा, घर के काम कैसे होंगे, मतलब ये 3 बार उन्होंने बोल दिया. फिर मैंने उनको टेस्ट बोले कि टेस्ट करवा लीजिए एक तो आप, तो उन्होंने टेस्ट करवाया. टेस्ट करवाने के बाद में रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, रिपोर्ट सेंड की, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा डेंगू पॉजिटिव आ गया है,
और डॉक्टर साहब मैं आपके दवाई के साथ में मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ना इसमें तो प्लेटलेट कम हो जाता है, एकदम से फिर डेथ भी हो जाती है, ये हो जाता है। अब मैं अगर ज़्यादा बीमार पड़ गई तो फिर घर के काम कैसे होंगे, बेटे को टाइम से खाना भी चाहिए, हस्बैंड को भी काम पे जाना है, कैसे सब मैनेज होगा, मतलब वही फिर बाद में ना वापस। और ज़्यादा मतलब पहले जब फ़ोन पे बात हुई थी तो थोड़ी डल थी, ठीक है, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई ना तो आवाज़ से पता चल जाता है कि वो एंशियस थी, एंजाइटी आवाज़ से फील हो रही थी मुझे। बट पहले खुद को लेके एंशियस नहीं थी, काम को लेके थी, घर का काम कैसे होगा, बेटे की तबीयत खराब है, हस्बैंड की सर्वेंट चला गया, घर के कैसे काम होंगे, इनको जाना होता है जल्दी, बेटे को टाइम पे खाना चाहिए होता है, वो बहुत वो टाइम से नहीं मिलता तो फिर वो हो जाता है, परेशान हो जाता है। और जब रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो दैट लेडी टोल्ड मी कि अगर मैं और बीमार हो गई तो प्लेटलेट एकदम से कम हो गए तो मैं साथ में आयुर्वेदिक भी ले लूँ, मैं पपीते का वो भी ले लूँ, ये ले लूँ, कि मैं ही बीमार हो जाऊँगी तो कैसे घर का सारा काम होगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि और क्या हो रहा है फीवर के साथ में, तो उन्होंने बताया कि यूरिन भी बहुत अपने आप ही यूरिन निकल रहा है और ठंड बहुत लगती है, ठंड लग के बुखार आता है, ये चीज़ उन्होंने पहले भी बताई थी। तो मैंने उनको एक रेमेडी दी, और इस केस में मैंने रेमेडी जो थी, क्योंकि उनका फीवर जो था वो बहुत हाई ग्रेड इन्फेक्शन था, इतने दिन से तो लो ग्रेड चल रहा था क्योंकि बॉडी जो थी खुद ही फाइट कर रही थी, पर इतने दिन हो गए थे कि इन्फेक्शन की जो सेवरिटी थी वो ज़्यादा हो गई थी। तो अब क्या डोलो एंटीपायरेटिक देने के बाद, क्रॉसिन देने के बाद में भी फीवर 100 से भी कम नहीं आ रहा था, मतलब 100 तक तो रह ही रहा था, और अगर नहीं लो मेडिसिन जैसे ही 4-5 घंटे हुए तो 2-3 से ऊपर फीवर जा रहा था। तो देन आई एनालाइज द केस कि ये लेडी ने क्या किया, इस लेडी ने बीमारी हो रही थी पर कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, कि घर वालों को देखना था, हस्बैंड को देखना था, बेटे की तबीयत खराब थी, सारा संभालना था, तो यहाँ क्या हुई वो लेडी फ्रिवोलस हो गई, ठीक है, अपनी अपनी केयर नहीं की, अपने बारे में नहीं सोचा। ऑल्सो वी कैन टेक रूब्रिक इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज, क्योंकि अपनी तरफ तो नहीं ध्यान दिया ना, बट भाग दौड़ करती रही, भाग दौड़ करती रही, और जब इनकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तब इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताई ये बात कि फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब फीवर जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठंड लग के आ रहा है। सो आई टुक रूब्रिक, फर्स्ट रूब्रिक आई टुक फ्रिवोलस, देन आई टुक सेकेंड रूब्रिक चिलीनेस विथ इंटेंस हीट, जब फीवर आता है तो ठंड लग के आता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन है, यूरिन अपने आप निकल रहा है, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो गया। देन शी सेड कि क्या है, टेंशन क्या चल रही है दिमाग में कि कैसे होगा सब कुछ, सबकी परवाह कर रही, तो ये क्या है, केयर्स फुल ऑफ एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, बेटे को टाइम से चाहिए होता है, फिर बेटा परेशान हो जाता है, बेटा अभी इतने दिन बीमार रहा, देन एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स, कैसे घर के काम होंगे, तो पेशेंट का रिएक्शन क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है बार बार। और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई डेंगू की, पहले तक वो डल है, वो ठीक है, वो डल है और अपने बारे में नहीं सोच रही, फ्रिवोलस है, डलनेस इतनी है फीवर में कि नहीं बोल पा रही, लेकिन जो भी बोल रही हो किसके लिए, कंसर्न कहाँ है, हाउस होल्ड मैटर्स, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट बच्चे के लिए, सबकी परवाह कर रही है, केयर्स फुल ऑफ, देन फीवर उनको कैसे आ रहा है, ठंड लग के आ रहा है, तो फीवर चिलीनेस विथ एंड डल थी फोन पे, तो मैंने इसलिए ये रूब्रिक उठाया, डल विथ इंटेंस हीट, इतना तेज फीवर है, क्रोसिन और डोलो लेने के बाद में भी वो 100 से नीचे नहीं आ रहा, तो डलनेस विथ इंटेंस हीट, हीट क्या है, फीवर, तो फीवर के टाइम पे डलनेस है, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा एक चीज़ और कंफर्म करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारी रेमेडीज क्या साथ में, जैसे आर्सेनिक बहुत सारे रूब्रिक्स कवर करती है, पल्सिटिला एक्यूट में बहुत अच्छा काम करती है, तो ये रेमेडीज आती हैं चार्ट में रेपर्टरी के, बट कंफर्म करना हो देन अगेन आई आस्ड टू कंफर्म, यस ये भी था, जब उनकी प्लेटलेट्स का पता चला और उनको पता चला डेंगू है और देखा प्लेटलेट्स लो हो रही हैं, तो मुझे उन्होंने क्या बोला था कि
डेंगू में तो डेथ हो जाती है, मैं आयुर्वेदिक भी साथ में शुरू कर दूँ, कहीं मेरा एकदम से लो ना हो जाए प्लेटलेट, तो कैसे, अगर मैं ज़्यादा बीमार हो गई तो फिर कैसे घर के काम होंगे। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो फियर पॉवर्टी कि मैं और बीमार हो गई तो और बिस्तर पर पड़ी रहूँगी, घर के कैसे काम होंगे। तो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ फियर पॉवर्टी की। अभी तो मैं, मतलब मेरे को चल ही रही है प्रॉब्लम, लेकिन और बीमार हो गई तो, और एकदम से प्लेटलेट डाउन हो गई तो, दिस इज़ फियर पॉवर्टी। तो आई टुक दिस रूब्रिक ऑल्सो, देन टू कन्फर्म माई रेमेडी मैंने उनसे पूछा कि अभी फीवर के टाइम पे आपको क्या करने का मन करता है, मोबाइल वगैरह, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल्स हैं, तो जब तबीयत खराब होती है तो लोग नॉर्मली फीवर के टाइम पे भी, जैसे अगर तबीयत खराब है तो टीवी देखते हैं या बातें करते हैं या मोबाइल देखते हैं। तो आई आस्क दिस टू कन्फर्म माई रेमेडी कि आप क्या करते हो, आप उस टाइम पे मोबाइल वगैरह करते हो अभी? तो वो, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं बस ऐसे बैठी रहती हूँ, मोबाइल बिल्कुल नहीं मेरा करने का मन हो रहा, टीवी बिल्कुल बंद है, टीवी मैं बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, नींद भी मुझे नहीं आ रही, मैं ऐसे बैठी रहती हूँ। सो हेयर माई रेमेडी वॉज कन्फर्म एंड आई गेव हर सीपिया 1M और फ्रिक्वेंट रिपीटेशंस की मैंने उनको बोला कि एक एक गोली को आपने पानी में डिजॉल्व करके हर 3-4 घंटे में लेनी है। तो ऐसे करके उन्होंने सीपिया 1M की हर एक गोली को डिजॉल्व करके वाटर डोजेस बना के 2 स्पून्स वाटर लेके उन्होंने ली। और 12th को इन्वेस्टिगेशन हुआ था, 12th को प्लेटलेट्स पर सो लो और डेंगू पॉजिटिव था, एंड आफ्टर होम्योपैथी 15th को डेंगू केम नेगेटिव। जबकि डेंगू और टाइफाइड में इतनी जल्दी, आई विल नॉट क्रिटिसाइज, बट अदर ट्रीटमेंट, अदर मेथड्स जो है एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है उनमें इतनी जल्दी अगर इन्वेस्टिगेशन कराएं तो टाइफाइड डेंगू नेगेटिव नहीं आता, बट 12th को हुआ था एंड 15th को रिपोर्ट केम नेगेटिव एंड शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज। और जब उनके बेटे ने रिपोर्ट भेजी उनको, उन्होंने मुझे आगे भेजी, शी वॉज सो हैप्पी, प्लेटलेट्स भी। और उन्होंने, मैंने उनको बोला था कि आप आयुर्वेदिक लेना चाहें तो आप ले लीजिए, पर आप मेरे को सिर्फ 2-3 दिन दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, पेशेंट नहीं कन्विंस हो पाता, डर जाता है। तो मैंने उनको जब ये चीज़ बोली थी, क्योंकि मेरी पुरानी पेशेंट है, उन्होंने उनको बोला कि आप 2-3 दिन दे दीजिए मेरे को, फिर आप, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट कर लिया। तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया सिवाय क्रोसिन एंड डोलो पैरासिटामोल के अलावा, क्योंकि फीवर के स्पाइक में मेडिसिन नहीं देना चाहिए, फीवर को थोड़ा कंट्रोल करके देना चाहिए। तो एंटीपायरेटिक के अलावा नथिंग एज शी टुक। सो हेयर वॉज द फर्स्ट केस ऑफ दिस डेंगू जो मैं अभी आप बता रही हूँ, जिसमें सीपिया दी। सेकेंड केस जो मैं आपको बता रही हूँ डेंगू का ही है। नाउ सी, हमारी होम्योपैथी में सबकी अलग मेडिसिन है, बंदे को देख के हम दवाई देते हैं। तो जो सेकेंड केस है डेंगू का, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ लेफ्ट आई पेन था पेशेंट को, लेफ्ट आई पेन के साथ में फीवर पूरे दिन भर नहीं आता था, सिर्फ शाम को आता था। तो आई एनालाइज द केस एंड आई थॉट ऑफ गिविंग थूजा, बट थूजा देने के बाद में नेक्स्ट डे पेशेंट को फीवर आया दोपहर को 3 बजे, तो मैंने रूब्रिक हटा दिया, फीवर चिल आफ्टर इवनिंग इन, ये मैंने रूब्रिक हटा दिया, क्योंकि 3 बजे आया था बुखार। तो लेकिन पेशेंट, ये कंफर्म था, पेशेंट से मैंने कंफर्म किया, क्योंकि क्या होता है, हमारे खुद के माइंड में भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी इतनी चीज़ें, इतनी थॉट्स होती हैं और हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते, तो पेशेंट भी नहीं ऑब्जर्व कर पाते। तो पेशेंट से मैंने वापस कंफर्म किया, पेशेंट ने कहा कि हाँ ये है कि मेरे को जब भी बुखार आ रहा है ठंड लग के आ रहा है। तो इस केस में मेरे को सिर्फ ये चीज़ें मिल रही थी कि एक तो लेफ्ट आई पेन है एंड ठंड लग के बुखार आ रहा है, और पेशेंट बहुत माइल्ड, मतलब फ़ोन पे बात हुई तो माइल्ड एकदम। फिर मैंने पूछा आपका क्या करने का मन है, तो उनके ऐसा कुछ नहीं है, कोई आ जाता है ऑफिस में, कोई काम होता है मैं मिल लेता हूँ, दर्द हो रहा होता है, आई पेन हो रहा होता है तब भी मैं बात कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा आपको मन करता है
रेस्ट करने का या चुप रहने का, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई आता है पास बैठ तो मैं बात कर लेता हूँ, हाँ मोबाइल पे कुछ आता है या कोई फ़ोन आता है मैं उठा लेता हूँ, तो बहुत माइल्ड पेशेंट। तो मैंने सिर्फ ये 2-3 रूब्रिक्स लिए कि लेफ्ट आई पेन और फीवर में आई पेन एग्रवेशन एंड फीवर विथ चिलीनेस एंड माइल्ड। तो पल्सेटिला केम इन माई चार्ट एंड आई गेव हिम पल्सेटिला 1 mg एंड विद इन, वहाँ भी मैंने रिपीटेशंस 1 mg पल्सेटिला की कराई थी बिकॉज आई वॉज कन्फर्म। तो पल्सेटिला 1 mg देने के बाद में 3-4 बार शायद पेशेंट ने ली थी वाटर डोजेज में, नेक्स्ट डे ही सेड दैट देयर इज नो पेन। जो आई पेन हो रहा था आईब्रो के ऊपर और आई में, वो पेन चला गया एंड फीवर भी नहीं आया। सो सी, डिजीज तो दोनों को एक ही थी, दोनों ही डेंगू थे, डेंगू पॉजिटिव थे, बट द प्रोसेस ऑफ यू नो द थिंकिंग प्रोसेस, हम होम्योपैथी में, होम्योपैथी इज नॉट सो सिंपल, वी हैव टू ऑब्जर्व पेशेंट, वी हैव टू एनालाइज द केस, उसका प्रॉपर रिएक्शन अडेप्शन देखना और फिर मेडिसिन देना। सो आई होप